अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गर्ल्स हुडी कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ 44 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 11 इंच, शोल्डर लेंथ 7.5 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट लेंथ 14 इंच, वेस्ट 30 इंच, हिप लेंथ 22 इंच, हिप्स 38 इंच, बॉटम विड्थ 16 इंच, फ्रंट नेक लेंथ 3 इंच, बैक नेक लेंथ 1 इंच, नेक विड्थ 6 इंच, वी कट ऑफ फ्रंट नेक इज 3.5 इंच, विड्थ ऑफ वी कट इज 1.5 इंच, स्लीव्स लेंथ 22 इंच, हाफ आर्म राउंड 3.5 इंच, लेंथ ऑफ कैप फ्रॉम हेड टू नेक इज 14.5 इंच एंड विड्थ ऑफ कैप इज 9.5 इंच। ये मेरा 1.5 मीटर स्ट्रेचेबल कपड़ा है जो 2 लेयर्स में रखा हुआ है। अब हम इसको 4 लेयर्स में करेंगे, वो होगा जितना हमारे विड्थ में मैक्सिमम है। इस हुडी ड्रेस में हमारा विड्थ हिप से सबसे ज़्यादा है, तो हम हिप का 1/4 प्लस 1 इंच इसको फोल्ड करेंगे। हिप्स हैं हमारे 38, उसका 1/4 हो जाएगा 9.5 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। तो ऐसे हम 4 लेयर्स में इसको 10.5 इंच तक फोल्ड करके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। फोल्ड करने के बाद अब हम एक साइड से लेंथ प्लस 2 इंच का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 44 इंच, उसमें 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 46। अब इस लाइन से हम अपनी बाकी सारी लेंथ के निशान लगाएंगे। सबसे पहले है शोल्डर लेंथ 7.5 इंच, उसके बाद है वेस्ट लेंथ 14 इंच प्लस हाफ 14.5 इंच, उसके बाद है हिप लेंथ 22 प्लस हाफ इंच 22.5 इंच। अब इस टॉप लाइन से हम विड्थ वाइज लेंगे शोल्डर टू शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच, जो है 11 का हाफ 5.5 प्लस हाफ हो जाएगा 6 इंच। यहां पर भी हम 6 इंच का मार्क लगाएंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क लगा करके जैसे हम शर्ट्स में ड्राफ्टिंग करते हैं उस तरह ड्राफ्टिंग करेंगे। और इसी मार्क से हम चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच का मार्क लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 1 आ जाएगा 10 इंच। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसलिए हम इसकी विड्थ में थोड़ा सा कम लेते हैं। अब वेस्ट मार्क पर आएंगे, यहाँ पर भी हम वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच का मार्क लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 30, उसका 1/4 हो जाएगा 7.5 प्लस 1 इंच हो जाएगा 8.5। इन दोनों मार्क्स को हम स्लांट मैनर में अपर मार्क्स के साथ मिला देंगे। उसके बाद आएंगे हिप लेंथ मार्क पर, यहाँ से हम लेंगे हिप का 1/4 प्लस 1 इंच। हिप्स है हमारे 38 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 9.5 प्लस 1 इंच हो जाएगा 10.5 इंच। और इसको हम हिप की शेप देते हुए वेस्ट मार्क के साथ मिला देंगे। अब सबसे नीचे हम अपनी बॉटम विड्थ का हाफ प्लस 1 इंच लेंगे। बॉटम विड्थ है हमारी
16 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 इंच। इस मार्क को अब हम इस हिप लेंथ वाले बाहर वाले मार्क से कर्विंग शेप देते हुए मिलाएंगे। इस हुडी की नीचे से जो बॉटम विड्थ है वो थोड़ी सी कम होती है, तो इस प्रकार इसको मिला देंगे। अब हम क्लोज पार्ट से पहले अपनी नेक विड्थ का हाफ से थोड़ा सा कम मार्क लगाएंगे। नेक विड्थ है हमारी 6 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 3 और उससे हम 2 पॉइंट कम इन मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम अपनी नेक लेंथ का मार्क लगाएंगे। फ्रंट नेक है हमारी 3 इंच, तो हम 3 इंच का मार्क लगाएंगे और बैक नेक है हमारी 1 इंच, तो हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इनको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और इसमें हम इस प्रकार कर्विंग देंगे। ये हमारी फ्रंट नेक कर्विंग है और ये हमारी बैक नेक कर्विंग है। उसके बाद हम इस लाइन से अपनी वी कट का लेंथ का मार्क लगाएंगे। वी कट लेंथ का मार्क है हमारा 3.5 इंच और यहां से ही क्लोज पार्ट से हम नेक विड्थ का हाफ का मार्क लगाएंगे। नेक विड्थ का हाफ है हमारा 1.5 इंच, तो हम 1.5 से 2 पॉइंट कम का मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारा तैयार है 1.5 इंच, तो इस पॉइंट को हम वी शेप देते हुए इसके साथ मैच करेंगे। अब हम अपने स्लांट मैनर में ये नेक लाइन गिराएंगे हाफ इंच इधर से लेते हुए इस प्रकार, और अपनी फ्रंट आर्म और बैक आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। इस प्रकार से कर्विंग करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक की कर्व की कटिंग करते हुए स्लांट लाइन पे आएंगे और पहले बैक आर्म राउंड की कटिंग करते हुए बॉटम तक जाएंगे। अब हम इसमें से बैक पीस को अलग करेंगे और फ्रंट आर्म राउंड और नेक की भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी हुडी की फ्रंट है, ये बैक है। अब हम इस रिमेनिंग फैब्रिक से, ये हमारा क्लोज पार्ट हो गया, तो इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर देंगे लेंथ प्लस 1 इंच लेकर के, और ये रिमेनिंग फैब्रिक हमारा हुडी की कैप बनाने के काम आएगा। उससे पहले हम इस हुडी की नेक पोर्शन को तैयार करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम इस नेक पोर्शन के ये वी पार्ट की कटिंग करेंगे और इसको सिलेंगे।
कटिंग इस रिमेनिंग फैब्रिक पर इस प्रकार रख कर के की जाती है। ऐसे इसको सेट करेंगे, यहाँ से लगभग यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस वी पोर्शन को टॉप से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस प्रकार सेट करेंगे और इसकी साइड साइड में चौक से ऐसे निशान लगा देंगे। अब इस वी पोर्शन से 1.5 इंच बाहर की साइड निशान लगा करके दोनों लाइंस को हम कट करेंगे। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे राइट टू राइट मैच करके यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे और इसको ऑपोजिट साइड ले जा करके डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच कर देंगे। बाद में हम हैंड स्टिच करके इस टेम्परेरी स्टिचिंग को अनडू कर देंगे। अब हम राइट टू राइट मैच करके फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइंट करेंगे और शोल्डर हम आर्म की तरफ से नेक की तरफ जॉइंट करते हैं। अब हम रिमेनिंग फैब्रिक से अपने कैप की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम विड्थ वाइज कपड़े को 2 लेयर्स में फोल्ड करेंगे, जो होगा हमारी कैप का विड्थ प्लस 2 इंच। कैप की विड्थ है हमारी 9.5 प्लस 2 हो जाएगा 11.5 इंच। तो ये मैंने 11.5 इंच तक फोल्ड कर रखा है। लेंथ में हमारी कैप की लेंथ है 14.5 इंच, उसमें हम 1 इंच स्विंग सीम के नाम का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15.5 इंच। अब हम इस मार्क से 15.5 इंच मार्क से ऐसे अपने हेड की राउंड शेप देते हुए यहाँ तक जाएंगे और इधर से हम इसकी हल्की सी ऐसे कर्विंग करेंगे। अब हम इस कैप की कटिंग करेंगे। अब स्टिचिंग में हम इस कैप के इस कर्व को स्टिच करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको हुडी ड्रेस के साथ जॉइन करेंगे। अब हम इस प्रकार बैक नेक को मिलाएंगे और इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब हम इस कैप के इस स्टिचिंग सेंटर को
इस सेंटर के साथ इस प्रकार मिलाएंगे और इसको नेक के इस कट तक स्टिच करेंगे। और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इस कैप की साइड एक स्टिच और लगाएंगे ताकि ये हमारी फर्मली फिक्स हो जाए। अब हम इस कैप पोर्शन को इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये वी शेप का कट है, इसको ऐसे फोल्ड करके इस कैप के टॉप में इस प्रकार स्टिच करेंगे। दूसरे पार्ट तक स्टिच करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इसके बाद हम इसमें स्लीव जॉइन करेंगे। इसके बाद हम अपने रिक्वायर्ड मेजरमेंट के अनुसार स्लीव से बॉटम तक इसको स्टिच करेंगे दोनों साइड से और रिक्वायर्ड लेंथ लेकर के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। फिटिंग की स्टिचिंग और बॉटम विड्थ फोल्ड करने के बाद अब हम इस कैप के होल में से ये कॉर्ड इंसर्ट करेंगे एक साइड से डालते हुए दूसरी साइड। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसके एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।